के बनी हुई से बनाने वालों को पहचानना, ये खुदा की जो मखलूक है ये खुदा की कुदरत से बनी हुई है। बनी हुई चीज को इसलिए हमारे हवाले किया है कि बनी हुई चीज से बनाने वालों को पहचानो, बनी हुई चीज से बना हुआ फायदा उठाना, इसमें आपस में इबादत ज्यादा नुकसान होगा। फिर बने हुए का हम भी बने हुए हैं, अगर बनी हुई को मेहनत का मैदान बनाएंगे तो बनी हुई चीज का दिल में यकीन आएगा, और अगर बनी हुई की नफी करेंगे फिर बनाने वाले का यकीन दिल में आएगा। हमने बनाने वाले को अंदर में लेना है। आसमान बना हुआ है, जब ये बेचारा खुद बातें बनाने से बना है तो इससे नफा नुकसान का क्या ताल्लुक? ये जमीन बिचारी जब खुद बनाने से बनी है तो जमान जमीन से नफा नुकसान का क्या ताल्लुक है? ये खुद ही जब चांद सूरज बना क्या ना खुदा की कुदरत से बने हुए हैं तो बनी हुई चीज से बात है, क्या नफा नुकसान का ताल्लुक? इनको तो खुदा ने काम दे रखा, अपने काम कर रहे हैं। सूरज को जो काम दिया वो अपना काम कर रहा है, चांद को जो काम दिया अपना काम कर रहा है, जो हवा को काम